ले लिए हैं मैंने पार्सल, अभी घर जाके इसको ओपन करती। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि मुझे डेली व्लॉग बनाने का अभी कुछ समझता ही नहीं मैं कि डेली व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं डेली व्लॉग डालते जाऊँ या नहीं। और बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे पार्सल रूम में। कल पार्सल लेने गई थी पर पार्सल रूम नहीं, कल नहीं परसों गई थी पर पार्सल रूम बंद था। तो अभी ओपन होगा शायद, तो अभी चल के देखते हैं। कॉम्पैक्टर रूम में आई थी कचरा फेंकने। कॉम्पैक्टर रूम की स्मेल इतनी खराब आती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जैकेट पहन लिया क्योंकि नीचे जाऊंगी तो ठंड लगेगी। और अभी जाती हूँ पार्सल रूम में, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। आ गई हूँ मैं पार्सल रूम में, पार्सल रूम भी ओपन है तो चलो अभी पार्सल लेते हैं। ले लिए हैं मैंने पार्सल, अभी घर जाके इसको ओपन करती हूँ। तो चलिए अभी घर चलते हैं। आ गई हूँ अभी रूम पे, अभी जो पार्सल आए हैं वो खोलती हूँ। ने देखा कि मैंने एक ट्राईपॉड मंगवाया है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप आपको चीज़ें अगर पसंद नहीं आई तो आप कुछ भी कोई भी चीज़ रिटर्न करते हो। तो मुझे वो गिम्बल तो कुछ खास पसंद नहीं आया और महंगा भी बहुत है, तो मैंने ये थोड़ा सस्ता वाला ट्राईपॉड मंगवाया। अभी इससे वीडियो शूट करके देखती हूँ कि ये कैसा है क्या है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है ये रख लूँ। वैसे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो मुझे एक ट्राईपॉड चाहिए होता है जिसमें मैं अपना मोबाइल ऐसे अच्छे से अरेंज कर सकूँ। जो पुराना वाला ट्राईपॉड है वो मैंने इंडिया से लिया था पर वो जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मतलब एक साइड से काम नहीं करता, तो मैंने वो रख दिया है। अभी देखते हैं रिपेयर होगा तो ठीक है। वैसे मैंने बहुत ही सस्ते में लिया था वो। तो चलो अभी खाना खाते हैं। ये देखिए पूजा मैंने कर ली है, मुझे अच्छा लगता है ये मेरा छोटू सा मंदिर। और देखिए मैंने आपको बोला था ना कि मैं थोड़ा सा हाइट पे ऐसे रखूँगी, तो मैंने ये छोटा अमेज़ॉन का बॉक्स लिया है। फिर ये मैंने कॉलेज के कलर प्रिंटआउट से ऐसे प्रिंट निकाले हैं और फिर इसके ऊपर मैंने ऐसा अपना मंदिर रखा है। ये देखिए ये मुझे ये ग्रे कलर है, मुझे ऐसा सिंपल सा कलर चाहिए था और साथ में ये छोटे छोटे मोर पंख है तो अच्छा लगा मुझे ये। आपको कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर बना है राइस और ये आर्टिचोक उबल रहा है। ये अमेरिकन डिश है तो मैं भी पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, कैसा लगता है क्या लगता है मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, तो अभी देखते हैं खा के। तो ये आर्टिचोक तो हो गया है, अभी इसमें नमक डालूँगी और नींबू का जूस डालूँगी और ये अभी थोड़ी देर में खाऊँगी ठंडा होने के बाद। लंच तो बन गया है और ये नए ट्राईपॉड से वीडियो शूट करने में भी अच्छा लग रहा है, तो अभी एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है। अभी बहुत भूख लगी है तो लंच करती हूँ। लंच तो हो गया है अभी और लंच करने के बाद सोने का मन हो रहा है। मुझे रोज़ ऐसे ही होता है, जब भी लंच करो तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो बर्तन धोने हैं पर थोड़ी देर बाद धोना स्टार्ट करूँगी। आज देखिए लिमिट से ज़्यादा बर्तन है, पूरा सिंक फुल हो गया है मेरी ही बर्तनों से। अभी सारे बर्तन धो के रखने हैं। बर्तन धो के तो हो गए हैं, अभी बेडशीट चेंज करनी है। पूरा दिन घर में ही रहती हूँ तो ये सारे काम करने होते हैं। अभी तक मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में रिसर्च कर रही थी कि क्या कैसे हम इफ़ेक्टिव टैग डाल सकते हैं, ये सब कुछ अलग अलग। तो वो सब कुछ हो गया और मैंने आज बहुत लेट से लंच किया है तो मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो अभी 8:30 बजे है रात के, तो मैं किचन में आई थी कि देखते हैं अभी क्या करना है। तो मुझे कुछ लाइट सा खा के सोने का मन हो रहा है। ये देखिए जशीरा बना रही है कुछ तो भी और डिनर के लिए नॉनवेज बना रही है ये। और ये देखिए ये ऑलिव ऑयल यूज़ करती है तो मेरे पास भी ऑलिव ऑयल है।
पर ये मैं खास यूज़ नहीं करती हूँ कभी, इसकी स्मेल थोड़ी मुझे पसंद नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि जशीरा खाना कैसे बनाती है। तो ये देखिए इसने क्या यूज़ किया, ये गार्लिक पाउडर उसने डाला, अनियन को अपना ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है और अभी गार्लिक पाउडर डाला है। तो हम खाने में मिर्च पाउडर वगैरह डालते हैं, तो जशीरा के यहाँ पे देखिए पेरू में ऐसे चिली का पेस्ट, रेड चिली का पेस्ट होता है, तो वो ये यूज़ करती है। और ये ज़्यादा तीखा खाती नहीं है, इसको कुछ भी थोड़ा सा भी तीखा डाला या फिर मिर्च पाउडर डाला तो इसको बहुत तीखा लगता है। और अभी मैं इसकी रेसिपी देख रही हूँ ये कैसे बनाती है। तो अभी इसने रेड चिली पेस्ट ऐड किया है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालती हूँ और साथ में नमक डाल के आज मैं ये डिनर में खाऊंगी। और अभी ब्लैक पेपर, तो अभी ये डाल रही है ब्लैक पेपर और ये है क्यूमिन पाउडर। अभी ये ऑरिगेनो ऐड कर रही है। ये देखिए ये आर्टिचोक इतना बड़ा फूल जैसा है, पर खाना क्या पड़ता है, ऐसे तोड़ के सिर्फ ये जो पार्ट है इतना इतना बस इतना खाना पड़ता है। तो अभी ये मीट ऐड कर रही है इसमें। तो अभी यहाँ पर कैरेट और पानी ऐड किया है, तो बस इसको बॉईल होने देंगे। तो ये आर्टिचोक है, इसको पूरा निकालना होता है और फिर इसके अंदर का खाना होता है, और हम ये भी खा सकते हैं। तो अभी ये मैं सब निकाल रही हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करूँगी। आज के डिनर में है दाल चावल। तो आज मैं अकेले खाना खा रही हूँ क्योंकि मेरे रूममेट्स को बहुत भूख लगी थी और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ी देर में खाना खाने आती हूँ, पर मेरा काम बहुत ही देर तक बहुत देर लगी। तो फिर अभी मैं अकेले खाना खा रही हूँ, तो अभी मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ और मम्मी से बात करते करते खाना खाती हूँ। तो ये मम्मी के साथ बात कर रही हूँ, मम्मी रोटी बना रही है। मम्मी हाय कर। तो अभी बस वीडियो एडिट करनी है, फिर सोना है क्योंकि कल है क्लास 12 से 6 तक, तो सुबह उठ के मुझे लंच और डिनर भी बनाना है। तो कल बेडबग के ट्रीटमेंट के लिए लोग आने वाले हैं, तो हमें पूरा किचन और बाथरूम क्लीन करना है, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन किया मैंने। और अभी बस वीडियो एडिट करनी है, सोना है। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लंच तो बन गया है अभी सब कुछ है, तो और कल वो बाहर वाले आने हैं, तो अच्छा मुझे बताना भी था।